संगठन का मतलब ये है कि जो विचारधारा है हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, हमारे समाज की विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलिए, किसी दूसरे विचारधारा को ग्रहण ना किया जाए। लेकिन आजकल लोग दो दो विचारधारा पर चल रहे हैं, हम इधर बाबा साहब के बने रहे हैं, उधर उनके बने रहे हैं, ये सबसे लिए अपने समाज के लिए घातक है, अपने देश के लिए घातक है, जिस कारण से आज देश एक दूसरी दिशा में जा रहा है। जो संविधान खत्म होने की बात हो रही है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि आपकी विचारधारा कहाँ पर है, आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप किसका पालन कर रहे हैं, किस विचार पे चल रहे हैं। तो दूसरे ने कहा था कि संगठित होइए, संगठित का तात्पर्य यही है कि अपने सभी समाज के लोगों को एक रहना है, मिलजुल कर रहना है, और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो सही है उसको आपको चुनना है। तीसरा कीजिए संघर्ष करिए। संघर्ष करने से तात्पर्य यह था कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें कुछ नहीं करना। संघर्ष तात्पर्य यह है कि आप जिस पद पे हैं आप अपनी कलम से जो कर सकते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई समाज में आप पढ़ लिख गए हैं, पोस्टिंग मिल गई है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी का गलत ना हो, वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से, उससे मतलब नहीं है। आपसे जो नियम से है, संविधान में नियम लिखा है या आपके जो नियम है, उस नियम से हो और सभी का भला हो। अगर ये सोच के आप काम करेंगे तो वो संगठन और संघर्ष का काम हो सकता है। एक आदमी के संघर्ष करने से कुछ नहीं हो सकता। तो संघर्ष करने के लिए, संगठित करने के लिए आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी मंच का सहारा लें, किसी संगठन का सहारा लें। आप जितना भी काम कर सकते हैं वो आप अपने बल पर भी कर सकते हैं। आप स्वयं जब करेंगे तो आपको देख के दूसरा करेगा, जब दूसरा करेगा तभी आगे देश बढ़ेगा, तभी मेन चीज आएगी कि जो विचार है, विचार अपने महापुरुषों के हैं, उनको मेन लागू करना बहुत अति आवश्यक है।